अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है वाइट सॉस पास्ता। ये वाइट सॉस पास्ता बहुत ही सिंपल और इजी है, इसमें मैदा यूज़ नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करने के लिए एक पैन में खुला पानी लेके उसे बॉईल होने रख देंगे। जब पानी बॉईल होने लग जाए तो फिर उसमें डालेंगे हम एक टेबलस्पून नमक, वन टीस्पून ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पास्ता। पास्ता को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। पास्ता बॉईल होने के बाद उसे नॉर्मल पानी या ठंडे पानी से एक दफ़ा अच्छी तरह से धो लेना है ताकि वो मज़ीद कुक ना होता रहे। चलिए अब बनाते हैं वाइट सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध और 2 स्लाइस चेडर चीज़ के। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें बॉयल्ड पास्ता डालेंगे। पास्ता को तकरीबन 2 से 3 मिनट सौते करेंगे। और ये देखिए मेरा भाई खुद की वीडियो शूट करते हुए। पास्ता को 2 से 3 मिनट सौते करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध। और चेडर चीज। अब चीज़ मेल्ट होने तक इसको कुक करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो लीजिए मज़ेदार और यमी और हेल्दी वाइट सॉस पास्ता रेडी है। बनाने में भी बहुत आसान है, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।